राजस्थान में मौसम साफ होने के साथ ही रात में सर्दी फिर से बढ़ने लगी है। कल राज्य में कई शहरों में रात का नियमित तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। सबसे ज़्यादा ठंडी रात माउंट आबू में रही, यहां न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर लद्दाख के एरिया में कल देर शाम से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इससे वहां बारिश के साथ ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। इस सिस्टम के निकलने के बाद राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों में रात में सर्दी बढ़ने की संभावना है। दौसा से खबर, जहां विधानसभा क्षेत्र में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी देवी सिंह दौसा राजपूत ने आगरा रोड स्थित दौसा हाउस में गुरुवार को अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर को अपना नामांकन पत्र पेश किया। नामांकन भरने के बाद देवी सिंह दौसा ने प्रेस मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि एक दिन पूर्व भी नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया कि सामान्य वर्ग से राष्ट्रीय पार्टी किसी चेहरे को उतारती है तो वो अपना नामांकन नहीं भरेंगे, और जब भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी सामान्य वर्ग से किसी चेहरे को प्राथमिकता नहीं दी तो वो सामान्य ओबीसी वर्ग के सम्मान में चुनावी मैदान में उतरे हैं। जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को मेद स्टेडियम में एकता दौड़ का आयोजन किया। इस दौड़ में जिला प्रशासन, पुलिस, शिक्षा विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूली बच्चे, शारीरिक शिक्षक और विभिन्न विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। दौड़ का शुभारंभ संसदीय कार्य, विधि व न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने झंडी दिखाकर किया। दौड़ का मार्ग उमेद राजकीय स्टेडियम में शुरू होकर नई सड़क चौराया, मोहनपुरा पुलिया, पुलिस लाइन आदि जगह से रहा। जोधपुर में बहुचर्चित हिरण शिकार प्रकरण से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में। कांकानी क्षेत्र फिल्म अभिनेता सलमान खान सहित कई अभिनेताओं पर लगा था हिरण शिकार का आरोप। एक बार फिर बयानबाजी के बाद सलमान खान और सलमान खान के पिता सलीम का जला पुतला। बिश्नोई समाज की ओर से सांकेतिक रूप से पुतला जलाकर उनका विरोध प्रदर्शन किया गया। सलमान खान के पिता सलीम खान द्वारा दिए गए बयान का विरोध हो रहा है। पिता द्वारा पुत्र सलमान खान द्वारा शिकार न करने का बयान दिया गया था। बिश्नोई समाज के लोगों ने खुलकर आक्रोश जताया।